नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। बगहा के मदनपुर में वन कर्मी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने अब तक नहीं की आरोपियों की गिरफ्तारी। पीड़ित ने मामले में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए डीजीपी को आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। पूरा मामला बगहा पुलिस जिले के लौकरिया थाना क्षेत्र के रामपुर चेक पोस्ट की है, जहाँ बीते 2 जून 2021 को रामपुर चेक पोस्ट पर तैनात नाकारक्षी धर्मेंद्र गिरी द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के बालू लोडेड एक ट्रैक्टर ट्रॉली की जांच के बाद हुए विवाद में नया गांव के मुखिया पुत्र व मुखिया पति ने अपने समर्थकों के साथ चेक पोस्ट पर हमला बोल दिया था, जिसमें चेक पोस्ट पर तैनात नाकारक्षी धर्मेंद्र गिरी घायल हो गया था। वही इस मामले में नाकारक्षी धर्मेंद्र गिरी की ओर से तत्कालीन रेंजर द्वारा लौकरिया थाना में कांड संख्या 3121 दर्ज कराई गई थी, जिसमें धीरज बीन व शेषनाथ बीन सहित 20 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हालांकि पीड़ित की ओर से साक्ष के रूप में घटना के समय बनाई गई वीडियो सीडी को रजिस्ट्री के माध्यम से वरीय अधिकारियों को भेजा गया, किंतु प्रशासन द्वारा अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। पीड़ित धर्मेंद्र गिरी ने पुलिस पर शिथिलता बरतने का आरोप लगाया है। पीड़ित धर्मेंद्र गिरी ने डीजीपी के दिया आवेदन के आलोक में बताया है कि आरोपी द्वारा बार बार केस को सुलह करने की धमकी दिया जा रहा है, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने डीजीपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वही इस मामले में रामनगर एसडीपीओ ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। हालांकि पीड़ित की माने तो घटना के संबंध में वन कर्मी गौरी शंकर दुबे द्वारा भी वन विभाग में केस दर्ज कराया गया है। बावजूद इसके पीड़ित इंसाफ के लिए दर बदर भटकने पर विवश है। मामला है 2 जून 2021 को दिन वन विभाग के रामपुर चेक पोस्ट नाका पर ड्यूटी में थे। उस समय एक ट्रैक्टर बालू लादा हुआ आया, हमने उसका जांच किया, कोई भी कागज पत्र नहीं था, ना बालू का कागज पत्र था ना गाड़ी का था। हमने कागज का मांग किया, इतना ही में वहाँ का स्थानीय मुखिया का गाड़ी था शेषनाथ बीन को, उसका लड़का चेक गाड़ी चला रहा था, उसने फ़ोन करके अपने पिताजी को शेषनाथ बीन को बुलाया, मुखिया को, और वो आया तो 10-20 आदमी साथ में लेके आया, हमारे साथ मारपीट किया। मारपीट करने के बाद वर्दी भी फाड़ दिया। हमने विभाग में सूचना इसको दिया ऑफिस में, उसके देने के बाद से जो है कि लौकरिया थाना में इसका मामला दर्ज कराया गया। 3121 केस नंबर है, जो है कि बगहा और पटना से केस को रिजेक्ट कर दिया गया है बेल के उसको, और जो है कि कोर्ट ने आदेश भी किया था उसको सिलेंडर होने के लिए, लेकिन वो अभी तक सिलेंडर नहीं हुआ। हमको धमकी दे रहा है बार बार जान से मारने के लिए, कभी गाड़ी से दबवा देने के लिए धमकी दे रहा है कि केस नहीं उठाओगे तुम तो तुमको हम मार देंगे। सरकारी केस है, हम कैसे उठा सकते हैं? पुलिस पुलिस कहाँ गिरफ्तार कर रही है? पुलिस तो उसके साथ सम्मिलित होकर के दुकान का उद्घाटन करा रही है और साथ में फोटो खिंचवा रही है, जो दैनिक भास्कर में भी कुछ दिन पहले छपा भी था। हाँ, हम लोग DGP DIG सबको हम लोग यहाँ पोस्ट किए हैं, थाना में भी दिए हैं, हर जगह हम लोग CD बना के दिए हैं वो घटना का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई इसको लेकर आपने अभी कहाँ आवेदन दिया? अभी तो हम लोग DGP के पास दिए है, SP के पास दिए है, DSP के पास दिए, कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं, कोई रिस्पॉन्स। क्या आप मांग करना चाहते हैं? हम मांग करना चाहते हैं कि भाई उसका गिरफ्तारी हो, और हमारे ऊपर जो बार बार धमकी दे रहा है, हम प्रशासन से न्याय का गुहार लगाते हैं कि हमको इंसाफ मिले। क्या नाम है? धर्मेंद्र गिरी, रामपुर चेक पोस्ट, वन विभाग नाकारक्षी, लौकरिया थाना।